सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज अंकल ज्ञानी ने उनके प्रमोशन की खुशी में अपने घर में पिको और उसके परिवार को डिनर पर इनवाइट किया है। अंकल ज्ञानी, आपकी प्रमोशन के लिए ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद पिको। अंकल ज्ञानी, मेरा एक सवाल था। हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और यह जानकर मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि केवल 2023 में ही 1.73 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए और 4.63 लाख लोग घायल हो गए। मैंने जीवन बीमा पॉलिसीज में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के बारे में सुना था, लेकिन मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता था कि यह कैसे काम करता है। अरे पिकू, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक एक्स्ट्रा फीचर है। इसका काम है कि अगर कस्टमर की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आपको पॉलिसी में एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। यह राइडर आपके बेस पॉलिसी के ऊपर एक एडिशनल सम ऑफ मनी देगा। समझ लो, यह एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो सिर्फ एक्सीडेंट के केस में मिलता है। मतलब अगर एक्सीडेंट के कारण कस्टमर को कुछ हो जाए तो उसे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। जैसे मान लो आपका बेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ का है। अगर आपको एक्सीडेंट के वजह से कुछ हो जाता है और आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो आपको 1 करोड़ के ऊपर एडिशनल 1 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। इससे आपके परिवार को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यह तो काफी अच्छा लग रहा है, पर यह राइडर क्यों इम्पोर्टेंट है अगर मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? अच्छा सवाल है पिकू। देखो, नेचुरल डेथ जो कि कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या इलनेस के वजह से होती है तो वो बेस पॉलिसी में कवर हो जाती है, लेकिन एक्सीडेंट का कुछ पता नहीं होता। आओ इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो, तुम्हारा दोस्त राकेश अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था और दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। अगर उसके पास एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होगा तो उसकी फैमिली को बेस लाइफ इंश्योरेंस के 1 करोड़ के ऊपर एडिशनल 1 करोड़ का राइडर मिलेगा। यह उसकी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि यह उनके फाइनेंशियल बर्डन को मैनेज करने में उनकी मदद करेगा। अरे, यह तो सच में बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ में आया कि एक्सीडेंट के टाइम एक्स्ट्रा पे आउट का कितना इम्पोर्टेंस है। पर यह राइडर लेने का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होता है ना? हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, लेकिन यह इतना अफोर्डेबल होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यह राइडर लेने से मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मेरी अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। यह तो सही लग रहा, पर क्या इसके कोई कंडीशन होती है? बिल्कुल, सब चीजों की तरह एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे सुइसाइड के केस में यह कवर नहीं मिलेगा, या किसी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जैसे स्काईडाइविंग या बंजी जंपिंग में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको कवर नहीं मिलेगा, और ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में भी कवर नहीं मिलेगा। अगर कोई किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले लेता हूँ तो मैं अपनी सेफ्टी नेट को डबल कर रहा हूँ। बिल्कुल पिकू, इससे आप एक तरह से अपनी जिंदगी को और सिक्योर कर रहे हो। एक्सीडेंट के केस में आपके परिवार को और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने से उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। अगर आपके पास यह राइडर है तो आप अपने लव्ड वंस को बहुत ज्यादा सुरक्षा दे सकते हो। यह बिल्कुल सही है। मैं आज ही अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड करवाता हूँ। अब मुझे लगता है कि यह डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। शाबाश पिकू, यह एक वाइज डिसीजन है। लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लानिंग करके आप अपनी फैमिली को बेटर सिक्योरिटी दे रहे हो। कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और आपका यह सपोर्ट उनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा। थैंक यू अंकल ज्ञानी, आपके साथ बात करके अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। खुश रहो पिकू, लाइफ के अनसर्टेनिटी को समझकर ही हम अपने लव्ड वंस को बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ख्याल रखना अपना। फॉर मोर एक्साइटिंग कॉन्टेंट
Stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, ek rishta bharose ka.